बच्चों अपन ने चैप्टर नंबर सेकंड का रिवीजन कर रहे थे, तो अपन ने पढ़ा था समय का पालन, कैसे महात्मा गांधी को जब सभा स्थल पे जाना था तो उन्होंने क्या मंगवाया था, एक साइकिल मंगवाई थी। तांगा जब समय पर नहीं आता है तो वो क्या मंगवाते हैं, एक साइकिल चलाकर सभा स्थल पर पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि उनको समय पर क्या करना होता है, भाषण शुरू करना होता है। महात्मा गांधी जो थे अपने समय के इतने पाबंद थे कि वह अपना सभी काम क्या करते थे, समय पर करना पसंद करते थे। उनका यह मानना था कि अगर आप अपना काम समय पर करने की आदत डालते हो तो वही क्या है, देश की उन्नति, उसी से क्या होगा, देश का विकास होगा। वही हमारे लिए क्या है, सच्चा देश प्रेम है। ठीक है, अगर काम टाइम पे करते हो तो हमें क्या है, देश की सच्चा प्रेम वही होगा। ठीक है, आप लोगों के लिए बापू के भाव इतने उच्च थे कि तुम सूरज चांद को देखते हो, ये अपने समय पर ही निकलते हैं और अस्त होते हैं। महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि हमें कैसा नियमों का पाबंद होना चाहिए, समय का पालन किस प्रकार करना चाहिए, जैसे सूर्य और चंद्रमा को आप लोग देखते हो। ठीक है, इनका क्या होता है, एक समय फिक्स होता है, इसी समय क्या होते हैं, ये उगते और अस्त होते हैं। ठीक है, एक समय में आप सूरज देखते हो, सुबह इतनी बजे उठता है, उगता है, ठीक है, और शाम को कितनी बजे अस्त होता है, इसका टाइम क्या होता है, फिक्स होता है। उसी प्रकार हमें भी क्या करना चाहिए, अपने प्रतिदिन के जो काम है, ठीक है, उनको एक नियमों में बंद कर करना चाहिए कि ये काम का ये समय फिक्स है, निर्धारित है। ठीक है, समय भी कभी न रुकता है न आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, समय कभी रुकता नहीं है। आप लोग अगर ये सोचोगे कि नहीं ये काम मैं बाद में करूंगा, ये बाद में हो सकता है, या छुट्टियां चल रही, तो समय आपके लिए नहीं रुकेगा, वह हमेशा क्या आगे बढ़ता जाएगा। जो उसका ध्यान रखता है वही उन्नति करता है, मतलब जो समय का आदर करता है, ठीक है, जो काम अपना समय पे करता है वही क्या है, उन्नति कर सकता है। समय के अनुसार काम करने वालों का ही समाज में आदर होता है। ठीक है, कहा था ना आपने, हमने पहले पढ़ा था कि जो समय पर अपना काम समाप्त करता है उसी का समाज में क्या है, मान सम्मान मिलता है, आदर मिलता है। ठीक है, वही व्यक्ति क्या करता है, समाज में उन्नति करता है। संसार के जितने महापुरुष हुए सभी समय पर ध्यान रखते थे, जितने भी बड़े बड़े लोग हुए, चाहे वो महात्मा गांधी हुए, चाहे दूसरे कितने भी बड़े बड़े लीडर या नेता हुए, अगर आप उनकी जीवनी पढ़ते हो तो देखते हो कि वह अपने समय के बड़े पाबंद होते हैं। ठीक है, आपके अभी जो भी बड़े बड़े लीडर है वो भी आप देखते हो, तो उनकी जीवनी है, उनके बारे में आप अगर पढ़ना चाहोगे तो उनके क्या टाइम टेबल सारा फिक्स होता है, उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वो काम करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो अपना पूरी दिनचर्या होती है। ठीक है, आप भी स्कूल आते हो तो आपका टाइम टेबल फिक्स होता है, सुबह 8 बजे स्कूल आना, ठीक है, फर्स्ट पीरियड इतनी बजे का, सेकंड पीरियड इतनी बजे का, इतनी बजे लंच होगा, इतनी बजे आपकी क्या होती है, स्कूल की प्रेयर होनी है। तो जब अपन नियमों में बनते हैं तो समय भी क्या है, हमारा आदर सम्मान करता है। ठीक है, हम समय का ध्यान रखते हैं तो समय भी क्या करता है, हमारा ध्यान रखता है। ठीक है, अगर आप ये सोचोगे कि नहीं समय पर काम नहीं होगा तो क्या होगा, समय भी क्या करेगा, आपका जो टाइम है वो वेस्ट होगा, तो आपके क्या, आपके अंदर के जो गुण है वो निकल नहीं पाते, क्योंकि आप क्या करते हो, एक ही चीज में लगे पड़े रहते हो, आप होमवर्क करना है, बस होमवर्क करना है, होमवर्क हो ही नहीं रहा है, तो आप क्या आगे उससे सोच ही नहीं सकते हो। ठीक है, अगर आप समय पर होमवर्क कर लोगे तो आप याद कर सकोगे। ठीक है, तो याद करने से क्या, राइटिंग सुधार सकते हो आप, कुछ अदर क्रिएटिविटी चाहे ड्राइंग कर सकते हो, ठीक है, कुछ अच्छा हैंडराइटिंग जमाना सीख सकते हो, तो उसके लिए क्या आप अलग से टाइम, अपना टाइम टेबल बना सकते हो। ठीक है, सभी समय का ध्यान रखते हैं। ठीक है, जितने महापुरुष हुए उन्होंने क्या किया, अपने समय को एक निश्चित क्या करते हैं, निश्चित पाबंदियों में चलते हैं, नियमों में चलते हैं। विचार करो, यदि किसान उचित समय पर खेत ना जोते, बीज ना बोए, पानी ना दे, खाद ना डाले, तो क्या एक भी दाना अनाज मिल पाएगा। अब गांधी जी क्या कहते हैं, ठीक है, कि समय किस लिए पाबंद होता है, कि एक किसान जो होता है, जो खेती करते हैं लोग, आप लोगों में से भी जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए उनको पता होगा कि किसान जो होता है वो क्या करता है, उचित समय पर खेत जोतते हैं, ठीक है, बीज ना बोए, ठीक है, अगर आप टाइमिंग पे उसको खेत को ना जोतो, उसके अंदर बीज ना बो, बीज डालो तो फिर पानी ना दो, खाद ना डालो, ठीक है, आलस करो कि नहीं आज नहीं कल जोत लेंगे, कल परसों बीज डाल देंगे, पानी का तो क्या बरसात आ रही बाद में दे देंगे, खाद बाद में डाल देंगे, ठीक है, तो अच्छा अनाज मिल सकेगा, नहीं मिल सकेगा ना, क्यों, क्यों, क्योंकि अपन ने टाइम से उसको कुछ पालन पोषण किया ही नहीं है, उसका जोता नहीं है, उसको बीज नहीं दिए, उसको खाना खाद नहीं डाला है, तो अनाज भी हमको अच्छा नहीं मिल गया, तो अनाज ही नहीं मिलेगा, या अनाज मिलेगा तो अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलेगा। ठीक है, आप लोगों के घर में कभी एक पौधा लगा के देखो, ठीक है, पौधे का क्या करनी पड़ती, टाइम टू टाइम केयर करनी पड़ती है ना,
कि छोटा सा बीज डालो, बीज जब उगता है तो उसकी देखभाल करनी पड़ती है, कहीं उसको गिलहरियां ना खा ले, बंदर ना तोड़ दे, ठीक है। फिर उसको समय पर पानी डालना पड़ता है, उसको खाद डालनी पड़ती है, उसको धूप से बचाना पड़ता है, ठीक है। अगर उसको क्या है छांव चाहिए तो छांव में रखना पड़ता है, अगर उसको थोड़ी धूप चाहिए तो धूप में रखना पड़ता है। तो जब तक पौधे की या किसी की केयर नहीं करोगे समय से, तो वो भी क्या है बड़ा नहीं होगा, तुमको फल और फूल नहीं देगा। उसी प्रकार से हम भी बच्चे, ठीक है, आप लोग भी बच्चे हो, ठीक है। तो बच्चों को क्या करना चाहिए, अपने समय को टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलाना चाहिए। जैसे मतलब फल पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है, वैसे बच्चे क्या है धीरे धीरे अपना विकास करते हैं। तो उनको क्या करना चाहिए, अपने समय भी क्या है समय को ऐसे बांटना चाहिए कि वो संपूर्ण विकास कर सके। कभी नहीं आता जो भी काम सामने है उसे मन लगाकर बिना समय बर्बाद करे कर डालो, ठीक है। गांधी जी क्या कहते हैं कि जो भी काम तुमको दिया जाए उसको मन लगाकर करना चाहिए और उसमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको होमवर्क करने के लिए दिया जाए तो आपको चार दिन तक डिले करो, ठीक है। आपको एक ही बार में करना है और अच्छी हैंडराइटिंग में करना चाहिए। आश्रम के कामों में तथा सदा जीवन में सदा नियमों का पालन करने वाले गांधी जी दूसरों से भी कड़े से पालन कराते थे, ठीक है। अब महात्मा गांधी जो थे स्वयं तो समय का पालन करते थे, ठीक है, अपने कामों में और सभी चीज में, परंतु वह क्या करते थे दूसरे व्यक्ति जो थे, ठीक है, उनके आसपास के लोग, उनको भी कड़ाई से क्या करते थे जीवन में समय का पालन करने की शिक्षा देते थे। उनका यह मानना है कि स्वयं करने से कुछ नहीं होता है, दूसरों को भी क्या करना चाहिए समय पर समय का पालन करना चाहिए, ठीक है, समय का पाबंद होना चाहिए। कस्तूरबा को भी समय का पाबंद करने के लिए समझाते थे। कस्तूरबा गांधी उनकी पत्नी का नाम है, किसका नाम है, जो महात्मा गांधी की पत्नी थी उनका नाम है कस्तूरबा गांधी। और उनको भी क्या समझाते थे कि हमें अपना काम क्या करना चाहिए समय पर पाबंद होकर करना चाहिए, मतलब निश्चित समय पर अपना काम हो जाना चाहिए। एक बार कस्तूरबा को आश्रम बच्चों के लिए भोजन बनाने में देर हो गई, ठीक है। जो महात्मा गांधी की पत्नी है कस्तूरबा गांधी, उनको आश्रम वासियों के लिए एक बार जिम्मेदारी मिली थी कि उनको आश्रम वासियों के लिए क्या करना है भोजन बनाना है, लेकिन उनको क्या हो गया भोजन बनाने में देर हो गई। किसके लिए, आश्रम वासियों के लिए भोजन बनाने में देर हो गई। तो गांधी जी ने उन्हें पूरे एक दिन के उपवास करने की सजा दी। कितने दिन की, एक दिन का उपवास करने की सजा दी गांधी जी ने। किसकी सजा दी उनको, उनको भोजन बनाने में देर हो गई, विलंब हो गया, इसलिए उन्होंने कस्तूरबा गांधी जी को एक दिन का उपवास मतलब फास्ट करने की सजा दी। गांधी जी ने स्वयं भी दो दिन का उपवास रखा। किस लिए रखा, क्योंकि उन्होंने समय पर कार्य पूरा नहीं किया, ठीक है, इसलिए कस्तूरबा गांधी को दंड मिला, लेकिन उनसे कार्य नहीं करवा सके, इसलिए गांधी जी ने स्वयं भी क्या किया, दो दिन का उपवास रखकर सजा काटी, ठीक है। यहां तक समझ में आया बच्चों, हमें क्या करना चाहिए समय का पाबंद होना चाहिए। जैसे सूरज चांद सितारे ये सभी क्या करते हैं एक निश्चित समय पर निकलते और ढलते हैं, ठीक है। और लेखक क्या कहता है कि हमें वही व्यक्ति उन्नति कर सकता है जो अपने समय का पाबंद होता है, ठीक है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, वह हमेशा आगे बढ़ता रहता है। और जो जितने भी महापुरुष हुए इस दुनिया में, वह क्या करते हैं अपने समय पर पाबंद थे। उन्होंने क्या किया, अपने समय को इस प्रकार से बांटा कि वह क्या कर सके, सभी के लिए समय समान ध्यान रख सके, ठीक है। अगर किसान को उदाहरण देते हुए गांधी जी कहते हैं कि जिस प्रकार किसान उचित समय पर खेत ना जोते, बीज ना बोए, पानी ना पिलाए, खाद ना डाले, तो क्या होता है, एक भी अन्नदाना अनाज नहीं मिल सकता। उसी प्रकार हमें भी क्या करना चाहिए, हर काम को समय पर करना चाहिए, किसके लिए, बिना समय बर्बाद किए करना चाहिए। आश्रम के कामों में भी गांधी जी दूसरों को कड़ाई से नियमों का पालन करवाते थे। एक बार जब कस्तूरबा गांधी को भोजन करवाने की भोजन की जिम्मेदारी मिली, किसको, कस्तूरबा गांधी को किसकी जिम्मेदारी मिली, आश्रम वासियों के भोजन के लिए उनको कहा गया, तो वो क्या होगी, उनको विलंब हो गया और इसलिए उन्होंने क्या किया, देर हो गई, और गांधी जी ने उनको किसकी सजा दी, एक दिन उपवास की सजा दी, ठीक है। और बदले में उन्होंने भी कितनी, दो दिन का उपवास रखा। क्या रखा, दो दिन का उपवास रखा। एक बार बापू ने साथी पंडित श्याम सुंदर त्रिवेदी जी साबरमती आश्रम बापू से मिलने आ गए, ठीक है। पंडित श्याम सुंदर त्रिवेदी जी थे, उनके बापू के मित्र थे, साथी थे। एक बार वो किससे मिलने आए, महात्मा गांधी से मिलने आए। आश्रम पहुंचकर वह अपने मित्रों से अन्य लोगों से मिलने लगे, ठीक है। आश्रम पहुंचकर वे किससे मिलने लगे, उनके जो मित्र थे उनसे
और आश्रम वासियों से मिलने लग गए। इसमें देर हो गई और गांधी जी के पास दिए गए समय से 3 मिनट बाद पहुंचे। ठीक है, अब दूसरे लोगों से मिलने में जो श्याम सुंदर त्रिवेदी जी थे, राइटर थे, उनको देर हो गई और वो गांधी जी से मिलने कितनी देर विलंब से पहुंचे, 3 मिनट देर से पहुंचे। मतलब गांधी जी ने उनको टाइम दिया था, उससे कितनी देर लेट पहुंचे, 3 मिनट समय से वो लेट गांधी जी के पास पहुंचे। कुटिया के अंदर गांधी जी कुछ लोगों के साथ बैठे थे। ठीक है, कुटिया के अंदर महात्मा गांधी जो थे कुछ लोगों के साथ बैठे, कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। ठीक है, उनके जो मित्र थे श्याम सुंदर त्रिवेदी जी वो आश्रम पहुंचे, लेकिन वो दूसरे लोगों मिलने में इतना व्यस्त हो गए कि गांधी जी को दिए हुए समय से वो कितने 3 मिनट लेट पहुंचे। डरते डरते त्रिवेदी जी अंदर घुसे। कहां? गांधी जी की जो कुटिया बनी हुई थी रहने का स्थान था उसके अंदर घुसे। कौन? श्याम सुंदर त्रिवेदी जी। देखा गांधी जी कुछ लिख रहे थे। ठीक है, उन्होंने जाके देखा तो गांधी जी कुछ लिख रहे थे। गांधी जी ने उनकी ओर देखा और वह बोले, पंडित जी आप आ गए। ठीक है, अब गांधी जी ने भी उनकी ओर देखा और क्या किया, आप आ गए, कुशल तो हैं। ठीक है, उन्होंने क्या पूछा, कुशल तो है, कुशल है मतलब ठीक तो हैं। ठीक है, अब जब वो लेट हो गए श्याम सुंदर त्रिवेदी जी और डरते डरते गांधी जी से मिलने पहुंचे, तो गांधी जी ने सिर्फ उनकी ओर देखा और क्या पूछा, पंडित जी आप आ गए, कुशल तो है, कुशल है मतलब ठीक तो है। किसने पूछा? महात्मा गांधी ने त्रिवेदी जी से पूछा। इतना कहकर घड़ी की ओर देखने फिर लिखने लगे। ठीक है, अब इतना सा पूछा उनको पंडित जी को, त्रिवेदी जी को, और वो क्या करने लगे, घड़ी की ओर देखकर फिर से लिखने लगे। त्रिवेदी जी वहीं बैठे रहे। अब त्रिवेदी जी थे, उनको पता था कि उन्होंने टाइम वेस्ट किया है। ठीक है, इसलिए वो चुपचाप वहीं बैठे गए। लिखना समाप्त कर गांधी जी ने बैठे लोगों से बात की, काम निपटाया और उठ गए। अब उनका जो काम था लिखने का वो गांधी जी ने, क्योंकि उनका समय फिक्स था कि इसके लिए इतना समय देना है, इतने टाइम पर इतने लोगों से बातचीत करनी है, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपने लिखने का काम समाप्त किया। गांधी जी ने जो बैठे हुए लोग मुलाकात के लिए आए थे उनसे बातचीत की, काम निपटाया और उठकर खड़े हो गए। कुछ समय बाद गांधी जी ने त्रिवेदी जी को बुलाया। अब कुछ समय बीता, फिर गांधी जी ने किसको बुलाया, त्रिवेदी जी को बुलाया। जब उनको लगा कि हाँ उनके पास समय फ्री है, ठीक है, या खाली समय है, तब उन्होंने किसको बुलाया, त्रिवेदी जी को वापस अपने कुटिया में बुलाया। पंडित जी क्षमा करें। ठीक है, क्या कहा उन्होंने, पंडित जी क्षमा करें। किसको कहा, श्याम सुंदर त्रिवेदी जी को कहा। जब आप आए थे आपके लिए दिए गए 4 मिनट के समय में केवल 1 मिनट ही बाकी था। उन्होंने क्या कहा, माफ कीजिए, मैंने आपको कितना समय दिया था, 4 मिनट का समय दिया था, उसमें से आप 3 मिनट किसमें व्यस्त करके आ गए थे, दूसरे लोगों से मिलने में बर्बाद करके आ गए थे, और मेरे पास कितना समय बचा था आपके लिए, 1 मिनट ही बचा था, उसमें मैं क्या कर सकता था, आपसे केवल कुशलता का ही समाचार पूछ सका। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा कि आप जब आए थे तो मेरे पास कितना मिनट बचा था आपके लिए, खाली 1 मिनट बचा था, और इसलिए इसमें मैं आपसे क्या पूछ सकता था, खाली आपकी कुशलता का समाचार ही पूछ सकता था, आशा है भविष्य में आप समय का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा उनको कि आशा है आप भविष्य में किसका ध्यान रखेंगे, समय का ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये लेसन आपका थोड़ा सा और बाकी है। नीचे गांधी जी की महत्वपूर्ण घटनाएं हमें बताती है, सदा समय से काम करो, तुम ना बहुत आराम करो, नियत समय पे जो करते काम जग में पाते वे सम्मान। गांधी जी की जीवन की जो घटनाएं हमें बताती है कि सदा समय पर काम करो, काम जो है अपना समय पर करना चाहिए, तुम ना बहुत आराम करो, आराम नहीं करना चाहिए, मतलब आराम करने का भी एक समय होना चाहिए, नियत समय पर जो करते काम, जो काम अपना नियत समय पर निश्चित समय पर करते हैं जग में वे पाते नाम, वही जग में क्या करते हैं, मान सम्मान पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। जिन बच्चों को रिवीजन के हिसाब से पढ़ाया वो सिर्फ एक बार इसका रिवीजन करना, और जो नए जुड़े हैं वो बच्चे एक बार फिर से इसकी रीडिंग करना। ठीक है, अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, अपन इसके क्वेश्चन आंसर और टिक द करेक्ट देखेंगे। थैंक यू बच्चों।